और कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं, पहली बार आप देखते हो। मेरे लिए पता है सबसे नया क्या था? दो अलग अलग वॉशरूम। मैंने देखा ही नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आया वॉशरूम के बाहर जो सिंबल, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा ये कपड़ों के हिसाब से है। जो शर्ट पैंट और जींस टी शर्ट पहन के आते हैं, जो स्कर्ट और सलवार सूट पहन के आते हैं। तो मेरा एडमिशन जून में हुआ था और फिर 15 अगस्त में कल्चरल इवेंट हुआ। मैं पहन के आया कुर्ता पजामा, मुझे लग गई, मैं गया कपड़े के हिसाब से। आप मानोगे नहीं, उस वॉशरूम में एक लड़की थी, मुझे देख के जज कर रही है कि कहां गुस्सा चला रहा है, पागल है क्या? मैं पागल हूं, तू जींस टी शर्ट पहनी है, गलत वॉशरूम में तू है। I am from बिहार। अरे और मेरी फैमिली फाइनेंशियली ठीक ठाक थी, फिर भी मैं एक भी बार किडनैप नहीं हुआ। मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा से गुस्सा ही रहती थी, क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा लौंडा नहीं किडनैप हो रहा। बगल में शर्मा जी का लड़का देखो, दो बार किडनैप हो गया। मेरे घर में प्रेस्टीज इशू हो गया था, मेरे पापा मेरे मम्मी के तानों से इतना परेशान हो गए थे कि मुझे शाम को घुमाने के लिए पार्क में लेके जाते थे, उधर अंधेरे में छोड़ के चले आते थे, उन्हें लगता था कोई उठा लेगा। रात को घुमा के ला रहे हैं सब्जी खरीद के, मारुति ओमनी खड़ी है, बैठा के निकल गए। रात को 10 बजे सो रहा हूँ, मम्मी उठा के, मनीष जाके सब्जी ले। सब्जी ले, हम लोग खाना ना खा के सो गए हैं, अब क्यों चाहिए सब्जी? के कल के लिए लिया। कल के लिए लाए तो है यार पापा। अरे सवाल बहुत करता है यार तू, अभी निकाल दूंगी घर से, जा ले। तो मैं जाने लगता था, मैं कहा जा रहा हूँ यार मम्मी, लेकिन तुम ये जेवर क्यों पहना रही हो? इतनी डेस्परेट हो गई थी मोहल्ले में ब्रैक करने के लिए कि मुझे पंडित के पास लेके चली गई कि देखो हमारे बेटे का अपहरण का योग कब बन रहा है। तो पंडित भी आराम में कहता था, नहीं आपके बेटे का राहु काल से ही चल रहा है और बिहार में लालू काल से ही चल रहा है, लगता आपका बेटा ही मांगलिक है। लेकिन पंडित जी वो मांगलिक में तो शादी आदि में होती है ना दिक्कत? नहीं, किडनैपिंग में भी होती है। 10,000 रुपये लगेंगे, पीपल के पेड़ से कराना पड़ेगा किडनैप। तो मेरी मम्मी 10,000 दे के पीपल के पेड़ से करा दी मेरा किडनैपिंग। रात भर मुझे पीपल के पेड़ से बांध के रखा और उसका फायदा भी मिला, क्योंकि मैं अगले दिन स्कूल से घर आ रहा था, मैं किडनैप हो गया। मुझे बोरे में बांध के मारते हुए लेके जा रहे हैं, मेरे घर में खुशी की लहर। मम्मी मिठाई टाई बांट रही यार मोहल्ले में, और मेरे आंख पे पट्टी बांध करके ले जाके अंधेरे कमरे में रखा है। पट्टी खोला तो सामने पापा थे। मैं कहा क्या यार पापा, मुझे किडनैप कर लिया? कहते बेटा वो मैरिज एनिवर्सरी था, सोचा तेरी मम्मी को खुश कर दूं। मैं कहा ये क्या तरीका है खुश करने का यार, ऐसे तो अगले महीने बर्थडे है। और पता है मेरी मम्मी उस दिन कुछ ज्यादा ही खुश हो गई, क्योंकि 9 महीने बाद मेरी बहन हुई। इस तरह से शर्मा जी के बेटे से मेरा किडनैपिंग का कॉम्पिटिशन हो गया। तो वो 2 बार किडनैप हुआ था, मैं 4 बार। तो उसकी 2 बहनें हैं। अरे मेरी 3 यार, क्या कर रहे हो? 3, एक भाई है। मेरी बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, स्टेट गांव का स्कूल, स्टेट बोर्ड। मेरे स्कूल की खासियत थी कि हम रोज 2 बार स्कूल जाते थे, एक बार ये देखने के लिए कि आज खुला तो है, क्योंकि कभी कभी टीचर लोग बंक मार देते थे, तो हम जाके देख लेते थे यार कहीं फालतू में ना नहा ले सुबह सुबह। हमारा स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जमीन की कमी तो है नहीं, बहुत बड़ा कैंपस था और बिल्डिंग भी थी। तो हमारा स्कूल पढ़ाई से ज्यादा शादियों के लिए यूज होता था। समझ रहा, हमारे स्कूल के बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे बारात को पानी पिला रहे हैं।
कल उसी स्कूल में लड़की पढ़ने आई थी, आज उसी स्कूल से विदा हो गई। और यार ऐसा माहौल होता है ना तो आपके घर वाले भी आपके स्कूलिंग को कैजुअली लेते हैं। चलते क्लास में पढ़ रहा हूँ, मम्मी आ जाती थी, मनीष जाके धनिया ले आ। मैं धनिया ले, पढ़ रहा हूँ क्या ये? धनिया ले आ। अच्छा अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है मार साहब आप ले आइए। अरे ले आइए, आके सो लीजिएगा। टीचर है यार वो बंदा, गुस्सा आ जाता था कि क्या बदतमीजी है भाभी जी ये, रोज रोज मैं ही लाऊं। कल भी मैं ही लाया था। ठीक है लिस्ट बना के दीजिए, बार बार नहीं जाऊंगा। कैजुअल स्कूलिंग चल रही थी। फिर मेरे पेरेंट्स को लगा दिस इज नॉट द राइट स्कूल फॉर माय किड, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तो मेरे पेरेंट्स मुझे पास के शहर लेके गए, अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया, ऑल बॉयज स्कूल। मेरा स्कूल मानता ही नहीं था कि सोसाइटी में लड़कियां हैं भी, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मम्मी अलाउड नहीं थी। एडमिशन कराने भी पापा गए थे, और पापा लोगों को कहाँ कुछ पता होता है यार। वो एडमिशन लेने वाला पूछा कि डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो कह रहे वो हाइट हाइट देख के आप ही कुछ बता दीजिए। जनरली आपके पेरेंट्स आपकी उम्र एक दो साल कम करके लिखवाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में फायदा होगा, इन्होंने मेरी उम्र दो साल बढ़ा के लिखवा दी। जब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आया ना, मैंने पहली बार अपना डेट ऑफ बर्थ देखा तो पता चला मेरी पैदाइश इनके शादी के पहले की है। मेरी बड़ी बहन मुझसे डेढ़ साल छोटी है। वो तो कहो इन सब चीजों की ऑडिटिंग नहीं हो रही है, नहीं तो पापा मेरे जेल में होते। क्या करो यार ये बच्चों के साथ, तुम ऊट पटांग कर दिया सब। फिर उसके बाद मैं कॉलेज, जबड़े दर्द हो गए ऐसे, फिर मैं कॉलेज चला गया। तो कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं, पहली बार आप देखते हो। मेरे लिए पता है सबसे नया क्या था? दो अलग अलग वॉशरूम। मैंने देखा ही नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आया वॉशरूम के बाहर जो सिंबल, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा ये कपड़ों के हिसाब से है, जो शर्ट पैंट और जींस टी शर्ट पहन के आते हैं, जो स्कर्ट और सलवार सूट पहन के आते हैं। तो मेरा एडमिशन जून में हुआ था और फिर 15 अगस्त में कल्चरल इवेंट हुआ। मैं पहन के आया कुर्ता पजामा, मुझे लग गई मैं गया कपड़े के हिसाब से। आप मानोगे नहीं, उस वॉशरूम में एक लड़की थी, मुझे देख के जज कर रही है कि कहां गुस्सा चला रहा है, पागल है क्या? मैं पागल हूं, तू जींस टी शर्ट पहनी है, चल अपने वॉशरूम में। मैं उसे छोड़ के आया यार, मेरे साथ बकचोदी नहीं, जो रूल है वो है, हमें मानना पड़ेगा। पता है मैं फर्स्ट ईयर में एक बार मॉल गया, पहली बार मुझे वहां लग गई, और वहां वॉशरूम के बाहर कोई सिंबल ही नहीं बना है, तो मैं कपड़े उतार करके गया। मैं नहीं लेता भाई रिस्क, मैं कहा कोई जाके कहे कपड़े का, मैं पहना ही नहीं हूं। और पता है उस वॉशरूम में भी एक लड़की थी और कपड़े पहने हुए हैं। मैं कहा क्या चल रहा है यार, कोई रूल क्यों नहीं मान रहा? मैं क्या मैं समझाया मैम का, मैं कहा मैम बाहर कोई सिंबल बना है? कहती नहीं। मैं कहा फिर कपड़े? कपड़े तो अलाउड ही नहीं है, या तो उतारिए या बाहर जाइए। तो उसे लगा मैं मोलेस्ट कर रहा हूं, उसने पुलिस को कॉल कर दिया। मैं समझाया कि मैम आप रूल ब्रेक कर रही हो, आप चली जाओगी जेल। लेकिन नहीं, उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस आ भी गई, और इंस्पेक्टर साहब ऐसे वॉशरूम में अंदर घुस रहे थे। मैं कहा इंस्पेक्टर साहब कपड़े तो देखिए आप भी उतारेंगे। तो दोस्तों मुझे उस दिन लाइफ में दो तीन चीजें पता चली। एक की पुलिस वाले रूल नहीं मानते, दूसरा नंगे पिछवाड़े पे
डंडा बहुत चिपकता है। और तीसरा देखो, तीसरा ये कि जेल के वॉशरूम के बाहर भी कोई सिंबल नहीं होता। सिंबल तो छोड़ो, दरवाजा ही नहीं होता।